नमस्कार। देवभूमि से देवताओं के पलायन की महागाथा की तीसरी कड़ी में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। 2012 में जब श्री विजय बहुगुणा की सरकार बनी, यानी कांग्रेस की सरकार बनी, तब भाजपा के घोटालों की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी केआर भाटी साहब के नेतृत्व में। ये आयोग अपनी जाँचें पूरी नहीं कर पाया। इस आयोग ने केवल एक मुद्दे पर, और वो मुद्दा था वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब निशंक सरकार में कृषि मंत्री थे तो उनके अधीन उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम में जूट के बैग और बीज की खरीद में हुए भ्रष्टाचार की जांच का। आइए मैं आपको बड़े संक्षेप में बताता हूँ कि क्यों हमारे देवी देवता देवभूमि से नाराज होकर पलायन करने लगे हैं। क्योंकि वो भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुके हैं, अनाचार से, अत्याचार से त्रस्त आ चुके हैं। भाटी आयोग ने सर्वप्रथम तो उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम में बतौर अध्यक्ष भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया। आयोग ने इस नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी उसको पूरी तरह गलत बताते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कामकाज पर, उनके अधिकारियों के कामकाज पर गंभीर टिप्पणी की। तो इसको आप एक नज़र में देखिए, समझिए उन्होंने क्या कहा। आयोग कहता है कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री द्वारा गोपन विभाग की नियमानुसार कार्य प्रणाली के विपरीत एवं न्याय विभाग के परामर्श को संज्ञान में लेते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर गैर सरकारी व्यक्ति की निगम के अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति के आदेश अंकित करना नियमों के पूर्णतः विपरीत है। आगे क्या कहता है वो आयोग, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब को इस आरोप से बरी करता है कि उन्होंने हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति की, और स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के कहने पर यह नियुक्ति हुई। आयोग ने अपनी जांच में पाया, कृषि विभाग ने आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही के क्रम में कृषि मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराने हेतु प्रस्तावली प्रस्तुत की कि गैर सरकारी व्यक्ति की अध्यक्ष पद पर चूंकि नियुक्ति का निर्णय लिया जा चुका है, यानी कि मुख्यमंत्री ने निर्णय कृषि मंत्री जी को संज्ञान में लिए बगैर ले लिया था, इसलिए आदेश जारी करने से पूर्व निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को संशोधित करना समाचीन होगा। इस टिप्पणी पर कृषि मंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा भेजी गई टिप्पणी पर श्री निशंक ने कोई गौर नहीं किया और 16/2/2010 को आदेश जारी करके श्री द्विवेदी को नियुक्त कर दिया। अब आप देखिए, द्विवेदी साहब नियुक्त हुए, जूट घोटाला, जूट के बैग खरीदने का घोटाला होता है और साथ में घोटाला होता है बीज खरीदने का। हेमंत द्विवेदी साहब के बारे में आयोग ने अद्भुत बात कही। हेमंत द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, निशंक जी के करीबी माने गए। आयोग कहता है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निगम के अधिकारियों के कथन और पत्रावलियों के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि नियमों की अवहेलना करते हुए पत्रावलियों पर निर्णय लिए गए। ऐसे अनियमित निर्णयों के लिए अधिकारियों ने भय और दबाव के वातावरण के अनेक दृष्टांत आयोग के सामने प्रस्तुत किए। यद्यपि प्रत्येक दृष्टांत के लिए अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो अधिकारियों ने आयोग को बताया उसके लिए कोई प्रमाण आयोग के सामने उपलब्ध नहीं है, मौखिक मगर अधिकारियों ने बताया कि अध्यक्ष के कक्ष में निरंतर बंदूकधारी व्यक्तियों की उपस्थिति, श्री हेमंत द्विवेदी अपने साथ बंदूकधारी रखते थे, बाउंसर्स रखते थे, जिससे कि अधिकारी डर के उनके गैरकानूनी कामों को कर दें। अध्यक्ष कक्ष में अधिकारियों से अनियमित टिप्पणियों और आदेशों पर हस्ताक्षर प्राप्त करना तथा अभिलेख के तौर पर पूर्व में वर्णित 2010 की खरीद में रुपये 1620 प्रति क्विंटल निर्धारित करने के लिए अनियमित लागत को सम्मिलित करना शामिल है। आयोग ने इसको दुर्भि संधि का, यानी कि कॉन्स्पिरेसी कहा। जिस प्रकार से बाउंसर्स रख के आदरणीय हेमंत द्विवेदी साहब बतौर अध्यक्ष उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम का कार्य करते थे अध्यक्ष के तौर पर। अब आइए देखिए, इसके बाद के आर भाटी आयोग की जांच रिपोर्ट आती है जूट बैग खरीदने पर। आयोग ने जूट बैग की खरीद को षड्यंत्र करार दिया है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुनः टेंडर प्रक्रिया में लगभग 18 दिन की अवधि बढ़ाते हुए अनावश्यक कारणों से विलंब किया गया,
यह स्पष्ट करता है कि जूट बैग आपूर्तिकर्ताओं को किसी निस्वार्थ की पूर्ति के लिए अनियमित लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया गया। अतः श्री हेमंत द्विवेदी के कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, गौर कीजिएगा, द्विवेदी साहब के कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद टेंडर प्रक्रिया के अतिक्रम के नियमीकरण में आपराधिक कृत्य की श्रेणी आती है, यानी कि उन्होंने जो कार्य किए वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की श्रेणी में आता है। और आयोग कहता है पूर्व में निर्धारित दिनांक 12/3/2010 को टेंडर खोलने की तिथि, बोर्ड की बैठक तथा सामान्य वार्षिक बैठक के बहाने आगे बढ़ाना किसी दुर्भिसंधि यानी कि कॉन्स्पिरेसी, कोई दो लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, उस ओर इशारा करता है। अब मैं आता हूँ कि आयोग, ये तो हुआ जूट बैग का घोटाला, जिसमें बहुत मोटा नुकसान, करीब 1 करोड़ का नुकसान, जो जूट बैग बाज़ार में 20 रुपये 50 पैसे में मिल रहे थे, उसे श्री हेमंत द्विवेदी जी के अध्यक्ष रहते 37 रुपये 58 पैसे में खरीदा गया। इससे निगम को 1 करोड़ की चपत लगी। आइए दूसरे में, अब इसके बाद बीज खरीद हुई तो हेमंत द्विवेदी साहब वो अपने साथ बंदूकधारी रखते थे और उन्होंने कैसे दबाव बनाया, और निश्चित तौर पर उसमें जूट निगम के, तराई बीज निगम के अधिकारियों की संलिप्तता रही। इस पर आयोग क्या कह रहा है, निजी बीज कंपनियों से अधिक मूल्य में बीज खरीद को भी आयोग ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र माना है और कहा निगम को अपनी लागत लेखा प्रणाली में तुरंत प्रभाव से सुधार करने के साथ साथ उपरोक्त हानि पहुंचाने वाले अधिकारी एवं दुर्भिसंधि में लिप्त अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यह परीक्षण निगम के विरुद्ध कदाचार का आश्रय लेते हुए आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ताओं का यह कथन कि बीज के क्रय में गंभीर अनियमितता पाई गई, यानी कि जिन्होंने कंप्लेंट की थी कि बीज की खरीद में घोटाला हुआ है, वह पूर्णतः सिद्ध होता है। वर्ष 2010 में अंशधारक किसानों से 12 रुपया 30 पैसा प्रति क्विंटल के हिसाब से बीज खरीदा गया, जबकि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाते हुए यही बीज 16 रुपये 20 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया। इसमें 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो मैंने कल भी आपको समझाने का प्रयास किया था, बताने का प्रयास किया था, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर, पीठ खुजाने का काम यहाँ भी हुआ। सरकार आई विजय बहुना साहब की, जिन्होंने आयोग बनाया, और उसके बाद हरीश रावत जी की सरकार आई। हरीश रावत जी की सरकार के समय में तत्कालीन कृषि मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जैसे कि विजय बहुना जी जो भारतीय जनता पार्टी को घोटालों के लिए कोसते थे, वो भी आज भाजपा के साथ हैं। हरीश रावत के मुख्यमंत्री काल में हरक सिंह रावत जी ने अद्भुत काम किया। उन्होंने इस पूरे आयोग की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया वो सुनिए। एकल सदस्यीय KR भाटी जांच आयोग ने TDC में हुए घपले घोटालों पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय तत्कालीन कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने यह कहकर इतिश्री कर दी कि इस मामले में FIR दर्ज कराई जाएगी। मैं आपको उनके जो उन्होंने लिखा है वो बताता हूँ। हरक सिंह रावत लिख रहे हैं, जांच आयोग द्वारा निगम के अध्यक्ष पद पर की गई अनियमित नियुक्ति, जूट बैग के क्रय में अनियमित, निजी बीज कंपनियों से बीज की खरीद में अनियमितता तथा अधिकारियों कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति में निहित आपराधिक कृत्यों के संबंध में शासन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है। निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के संबंध में तत्कालीन प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के संबंध में आयोग की सिफारिश के अनुसार शासन स्तर पर परीक्षण की कार्रवाई चल रही है, यानी कि एक FIR दर्ज कराने का निर्णय हरक सिंह जी ने लिया उन नेताओं के खिलाफ जिनके साथ आजकल वो जुगलबंदी कर रहे हैं और उनकी सरकार में मंत्री बने हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तत्कालीन प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री निशंक जी के प्रमुख सचिव के खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब मित्रों, उस FIR का क्या हुआ, उस FIR के दर्ज होने के बाद यदि वो दर्ज हुई तो कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, या क्लीन चिट दे दी गई, और तत्कालीन प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री निशंक के मुख्यमंत्री के खिलाफ शासन स्तर पर क्या कार्रवाई हुई, ये केवल शासन जानता है, उत्तराखंड की सरकार जानती है। सरकारें बदलती रही हैं, मगर भ्रष्टाचार के आरोपियों को पूरा संरक्षण कांग्रेस और भाजपा देती रही,
चाहे वो भ्रष्टाचार भाजपा का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार कांग्रेस का हो। 2022 में फिर ये मुद्दे उठेंगे। इस बार कांग्रेस बहुत जोर शोर से कुछ और मुद्दों को उठाएगी भ्रष्टाचार के, और हो सकता है कांग्रेस सत्ता में आ जाए, फिर पीठ खुजलाई जाएगी दूसरे की, और अपराधी आपराधिक षड्यंत्र करने वाले देवभूमि में मौज में घूमते रहेंगे। इसलिए हमारे इष्ट देवता, हमारे देवी देवता देवभूमि से पलायन करने लगे हैं। स्मरण रहे केदारनाथ की आपदा का, उस आपदा के पीछे भी हमारे देवताओं के रुष्ट होने का कारण ही है। अगली बार आपसे मिलता हूँ इस कड़ी में एक और नए कुछ नए तथ्यों के साथ, जो आपको बताएंगे कि देवता क्यों पलायन कर रहे हैं। नमस्कार।